जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर जयसिंह है और आज मैं आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भूकंप के विज्ञान को समझना हो, अगर आपको ज्वालामुखी के विज्ञान को समझना हो, अगर आपको ये समझना हो कि पर्वत कैसे बनते हैं, अगर आपको ये समझना हो कि पठार कैसे बनते हैं, अगर आपको समझना हो कि लैंडस्लाइड कैसे होता है, एवलांश कैसे होते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स कहाँ पैदा होता है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्व कहाँ पैदा होता है, ग्रेविटेशन पृथ्वी के अंदर में कहीं पे मैग्मा चेंबर है क्या, इस तरह के चीज़ों को समझना है तो आपको सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एकदम अच्छे ढंग से समझना होगा। जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ठीक ढंग से समझ जाइएगा तब आप इन सारे जो हमने अभी आपको बताया था घटनाएं परिघटनाएं आप कहिए इनको, ये सारे फिनोमेनास को आप समझने लगेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि पृथ्वी के अंदर में उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत है। वो स्रोत किस तरह के है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, वह सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में क्या क्या है जो यह बताता है कि पृथ्वी के अंदर में क्या हो सकता है। तो हम लोग मुख्यतः भूकंप का सहारा लेते हैं, ज्वालामुखी का सहारा लेते हैं। भूकंप का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर में किस तरह की चट्टाने होगी, क्या वह ठोस अवस्था में है, क्या वह पिघली अवस्था में है, क्या वह गैसीय अवस्था में है, कि वह ठोस और गैस के बीच प्लाज्मा अवस्था में है कि किसी और अवस्था में है। इसको देखने के लिए हम लोग भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भूकंप विज्ञान जिसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और भूकंप के अंकन करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो सिस्मोलॉजी के अध्ययन में हम मुख्यतः भूकंप से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, जो लहरों के रूप में चलती है, उसका अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि भूकंप विज्ञान के अंदर में कुछ लहरें पैदा होती है। तो भूकंप जहाँ पे पैदा हुआ, मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, इसके अंदर में लगभग 600-700 किलोमीटर नीचे भूकंप पैदा हुआ, जहाँ पे पैदा होता है उसको फोकस कहते हैं। फोकस मूल है, ये यहीं पे पैदा हुआ, और सबसे पहले पृथ्वी की सतह पे जहाँ पे अनुभव होगा उसको ईपी सेंटर बोलते हैं। ईपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र, इसको अधिकेंद्र कहते हैं। अब आप देखिए, भूकंप जो लहरें है, क्योंकि यहीं पे एनर्जी पैदा हुआ तो यहीं से निकलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो लहर है, जो सबसे प्राथमिक रूप से आते हैं, पहला लहर, उसको पी कहेंगे। जो उसके बाद फिर पैदा होता है, दूसरी फिर लहर आती है, उसको कहते हैं एस। और उसके बाद तीसरी लहर फिर आती है जो ज़्यादा घातक होती है। भूकंप जहाँ भी उत्पन्न होगा उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा, उसको कहते हैं एल वेव। यानी कि एक वेव हो गया आपका पी, एक हो गया एस, और दूसरा हो गया एल। तो ये तीन वेव मुख्यतः भूकंप के अंदर से निकलते हैं। हालांकि कुछ और वेव्स होते हैं, जैसे पेयर्स में होते हैं, युग्म में, जैसे पी जी लहरें, एस जी लहरें। तो ये दोनों जो लहरें हैं, यह बहुत धीमी गति से चलने वाली है, और पी स्टार लहरें भी होती है, और एक एस स्टार भी होता है ऐसे। तो पी एस और एल के बाद जो है, पी एस के बाद जो है, पी और एस स्टार जो है, ये लहरें, इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, और ये बीच का लहर है, ये मध्यवर्ती हो गया, सबसे तेज गति से चलने वाला हो गया, उसके बाद ये इस तरह से भूकंप में लहरें पैदा होती है। तो इसके अध्ययन से यह पता लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा होगा, पृथ्वी के अंदर का बनावट किस तरह का है। तो ये हुआ प्राकृतिक साधन। दूसरा आप देखिएगा कि दूसरा साधन में ज्वालामुखी आता है। तो ज्वालामुखी के अध्ययन से भी पता लगता है कि पृथ्वी के अंदर में किस तरह की बनावट है, संरचना कैसी है। तो ज्वालामुखी, आप जानते हैं कि ज्वालामुखी में मैग्मा अंदर से दरार फाड़ते हुए बाहर की ओर आ जाता है। तो मैग्मा, पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं, वो अंदर से निकलता है। अब वो कहाँ से निकल रहा है, क्या पता, मैग्मा चेंबर से तो होके नहीं निकल रहा है क्या, कहीं पृथ्वी के अंदर में ऐसा कोई जगह है जहाँ पे मैग्मा चेंबर बना हुआ, जहाँ से वोल्केनिज्म होता हो। तो इस तरह के
ज्वालामुखी के अध्ययन से भी पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा स्थल खंड जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा स्थान जरूर होगा जहां पे चट्टाने पिघली हुई होगी और अधिक दबाव के कारण वह निकल नहीं रही है, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है इसके कारण नहीं। जैसे ही वो दबाव थोड़ा कम होता है तो वह मेल्टिंग पॉइंट जो होता है चट्टानों का वह कम हो जाता है और वह पिघल जाता है और वह फिर वह बाहर की ओर निकल आता है पृथ्वी के ऊपर सतह पे। तो उसके अध्ययन से भी पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी हम हासिल करते हैं। तो ये तो हो गया प्राकृतिक साधन में, भूकंप हो गया और एक दूसरा हो गया आपका ये ज्वालामुखी। ज्वालामुखी अब हम दूसरे स्रोत पे बात करते हैं। एक हुआ अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा अप्राकृतिक स्रोत। यह मुख्यतः अनुमान और परीक्षणों पर आधारित है। बहुत सारे जियोलॉजिस्टों ने इसके बारे में बात किया है। अब अप्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आएगा, तो अप्राकृतिक स्रोत में मुख्यतः घनत्व, दबाव, ये घनत्व, दूसरा है दबाव और तीसरा है तापमान। तापमान ये तीन आधार है जो अप्राकृतिक स्रोत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घनत्व क्या होता है। देखिए घनत्व जो होता है ना उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दर्शाया जाता है। तो आप जानते हैं कि घनत्व किसी भी पदार्थ के उसके गुण को बताता है कि वह कितना घना घना है, कितना ठोस है, वह कितना ज्यादा भार है उसके अंदर में। तो आप मान लेते हैं कि यह मेरे पास एक ये ढक्कन है इसका, तो इसमें अगर हम इसमें छेद आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम सामान को भर दे, किसी पदार्थ को इसमें भर दे, एकदम भर दे कस करके, और तब उसका वेट नापेंगे तो कितना स्थान में कितना वह पदार्थ भर पाएगा इसको घनत्व कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी का जो ऊपर का परत है वह बहुत ही कम घनत्व का है, उसका डेंसिटी कम है, और जैसे जैसे अंदर में जाते हैं उसका घनत्व बढ़ते जाता है और पृथ्वी के एकदम आंतरिक भाग में जा करके जो एकदम आपको सेंटर कहिए उसको रेडियस कहते हैं पृथ्वी का, वो 6371 किलोमीटर तक है। यहाँ तक जा करके उसका घनत्व काफ़ी बढ़ जाता है, यानी यहाँ से शुरू हुआ तो लगभग 2.7 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ तक जाते जाते इसका घनत्व बढ़ के 11 हो जाता है। तो घनत्व बढ़ रहा है। दूसरा है दबाव। अब जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो है चट्टान है, फिर उसके नीचे चट्टान है, तो ऐसे ऐसे एक चट्टान दूसरे चट्टानों को दबाते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ के चट्टानों का दबाव सबसे कम होगा और जैसे 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 अंदर में जाएंगे दबाव बढ़ते जाएगा, तो एक प्रेशर बढ़ते जाता है। तो उस प्रेशर से भी ये एकदम दबा हुआ है, कहा जाता है कि प्रेशर के कारण घनत्व भी बढ़ जाता है। तीसरा है तापमान। तो देखिए पृथ्वी के बाहर भाग से लेके अंदर में जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा, घनत्व के कारण बढ़े, दबाव के कारण बढ़े, या पृथ्वी जिस टाइम बनी थी उसी समय एकदम आग के गोला थी, धीरे धीरे ठंडा हुआ है तो इसके कारण बढ़े, तापमान बढ़ते जाता है। हालांकि इसके पीछे, तापमान बढ़ने के पीछे दूसरे फैक्टर भी जिम्मेवार है। वो फैक्टर क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए कि तापमान जो है वह प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर में जैसे जैसे 32 मीटर पर जाएंगे 1 डिग्री बढ़ जाएगा, लेकिन यह तापमान जो है वह अनुमान के आधार पर निश्चित किया गया है, और तापमान एकदम कंटिन्यूसली बढ़ते तो जाता है लेकिन प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री नहीं बढ़ेगा। अंदर में जाके अंदर में तापमान जो है बढ़ने की जो दर है वह धीरे धीरे घटने लगता है, यानी कि पहले 32 मीटर पर, फिर बहुत अंदर में जाएंगे 100 किलोमीटर नीचे तो 50 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ेगा, 60 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ेगा, 100 मीटर पर ऐसे ऐसे 200 मीटर पर 1 डिग्री, ऐसे अंदर में जा करके टेम्परेचर जो है वह धीरे धीरे बढ़ता है, इस तरह इस गति से नहीं बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे जाएंगे तो 32 मीटर के आधार पे, तो इस आधार पे पृथ्वी के ऊपर जो है इसके सर्फेसियल एरिया में, या आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है औसत तापमान, और अंदर में जाते हैं तो यहाँ पे जाके कोर में 4500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। 4500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें पिघल जाते हैं चट्टाने, और क्या क्या होते हैं इसके बारे में अभी आपको हम बताते हैं। तो टेम्परेचर भी एक
अप्राकृतिक स्रोत में ये आते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, वह भी आंतरिक संरचना के बारे में ये जानकारी देते हैं। लेकिन देखिए, इन सबको आप छोड़ते हुए हम सीधे बात करते हैं कि एडवर्ड स्वेस महोदय ने इस पूरे पृथ्वी को किस तरह से संरचना में बांटा है। उन्होंने एडवर्ड स्वेस, जो ऑस्ट्रिया के बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पृथ्वी को मुख्यतः तीन परतों में बांटा। कहा कि पृथ्वी एक सॉलिड पूरा का पूरा नहीं है, बल्कि यह तीन परतों में बटा हुआ, तीन संकेंद्रीय परत है। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, उसके ऊपर उन्होंने एक पपड़ी बताया। कहा कि ये पपड़ी जो है यह सियाल कहलाता है। पहला नंबर पे ये बताया सियाल, SIAL, सियाल। सियाल शुरू कहां से होता है? उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर अवसादी चट्टान का एक परत है, कहीं कहीं पे 500 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 50 मीटर, कहीं 700 मीटर तक अवसादी चट्टान है। उसके बाद शुरू होता है सियाल, यानी पृथ्वी का जो पपड़ी है उसके बाद शुरू हो जाता है। तो पहला उन्होंने सियाल बताया। किसने बताया? एडवर्ड स्वेस महोदय ने। एडवर्ड स्वेस कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे। ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जानते हैं कहाँ पे है? यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहीं के रहने वाले थे ये। उन्होंने सिद्धांत दिया, जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि तीन परत है, पहला सियाल, दूसरा उन्होंने बताया सीमा, सीमा ये दूसरा है, तीसरा उन्होंने बताया नीफे, ये तीसरा परत उन्होंने बताया। रासायनिक संरचना के आधार पर उन्होंने बताया, मुख्यतः जो इनका आधार था बांटने का वह था रासायनिक संरचना, उसके आधार पर उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि सियाल जो है ना, यह मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ है। मतलब उन्होंने बताया कि सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों की बहुलता है इस चट्टान में, और यह मुख्यतः एसिडिक है, एसिडिक है उन्होंने बताया, अम्लीय है। और उन्होंने यह भी बताया कि जब इसके अंदर में जाएंगे तो सीमा मिलेगा, मतलब सियाल और सीमा के बीच में एक ऐसी परत होती है जो लगभग पिघली हुई अवस्था में होगी, उसको उन्होंने कहा कि एस्थेनोस्फीयर है ये, एस्थेनोस्फीयर मतलब अर्ध पिघली हुई अवस्था में इसको कहते हैं, अर्ध पिघली अवस्था में। इन्होंने कहा कि यह पूरी तरह पिघली हुई नहीं है, बल्कि आधा पिघली हुई है, प्लास्टिक अवस्था में है ये, इसको कह सकते हैं आप विस्कस अवस्था में है। और इसके बाद सीमा शुरू होता है, तो सीमा उन्होंने जो नामकरण किया हुआ है उसको देख लीजिए। सीमा उन्होंने नामकरण जो किया है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, सीमा, एक है सिलिका, दूसरा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उन्होंने कहा कि जो सिलिका है वह अंदर में भी पाया जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम कम हो जाएगा अंदर में जाकर के, मैग्नीशियम ज्यादा हो जाएगा, कुछ लौह तत्व भी बढ़ जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि इसका घनत्व भी बढ़ जाएगा सीमा का, और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि यह जो बना हुआ है इसमें मुख्यतः बेसेटिक, यानी कि ज्यादातर बेस क्षारीय चट्टाने हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि जब सीमा को पार करेंगे नीफे आएगा, तो नीफे में अचानक डेंसिटी बढ़ जाएगा, और इसके बीच में एक और परत है सीमा और नीफे के बीच में, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, और यहां पे कहीं ना कहीं फिर से पिघली हुई चट्टाने आपको मिलेगी, अर्ध पिघली हुई, जिसको बोलते हैं सेमी लिक्विड अवस्था में यहां पे मिलेगी। तो सेमी लिक्विड अवस्था बताया, और उसके बाद बताया कि नीफे की शुरुआत हो जाएगी, यहां भी सेमी लिक्विड अवस्था है, सेमी लिक्विड। क्यों है सेमी लिक्विड अवस्था, वो आपको हम बताएंगे। ये नीफे जो है वह तेजी से घूर्णन करते रहता है, और सीमा जो है वह उतना तेजी से घूर्णन नहीं कर पाता, ये भी रोटेट करते रहता है। दोनों के बीच में रोटेशनल डिफरेंशिएशन पैदा होता है, दोनों के बीच में उसके कारण घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन बल पैदा होता है, और फ्रिक्शन के कारण एनर्जी पैदा होता है, और वह एनर्जी के कारण ही यहाँ पे पिघली हुई चट्टाने मिलती है। और वही कारण है कि इस नीफे के अंदर में
गुरुत्व बल भी है, ग्रेविटी जो है पृथ्वी के अंदर में, और पृथ्वी एक ठोस की भांति जो व्यवहार करती है वह इसी नीफे के कारण। तो नीफे का जो विस्तार है वह क्या होगा, उन्होंने बताया कि नीफे बना हुआ निकेल प्लस फेरियम शब्द से, फेरियम फेरियम, निकेल और फेरियम क्या होता है, लौह तत्व, लौह पदार्थ होते हैं एक तरह से, और फेरियम भी लौह पदार्थ होता है। यह बहुत भारी होता है, डेंसिटी इनका ज्यादा होता है, और इसी तरह से पृथ्वी जो है बहुत ठोस व्यवहार करती है। अब देखिए, हमने ये तो आपको बता दिया कि उन्होंने सियाल सिवा नीफे क्यों किया, अब देखिए उन्होंने बताया कि सियाल जो होता है उसका घनत्व तो कितना होगा, घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने सियाल का घनत्व तो बताया 2.7 से लेके 2.9 तक, उन्होंने बताया इतना घनत्व तो होगा बाहर की चट्टानों का, यानी कि बाहर की जो खोल है पृथ्वी का उसका, लेकिन उसके अंदर में जब जाएंगे सीमा के अंदर में तो सीमा का घनत्व बढ़ जाएगा। उन्होंने सीमा का घनत्व कितना बता दिया, सीमा का घनत्व बताया 2.9 से लेके 4.7 तक इतना होगा, यानी घनत्व बढ़ रहा है। इस स्थेनोस्फीयर को पार करते ही सीमा शुरू हो गया और उसका घनत्व बढ़ रहा है। उसके बाद नीफे का घनत्व बताया कि बढ़ते बढ़ते 11 तक पहुंच जाएगा, 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर वहां तक ये पहुंच जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका मोटाई कितना कितना है, तो मोटाई तो समझ लीजिए, मोटाई उन्होंने बताया सियाल का मोटाई जो है वह 50 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक हो सकता है, 50 किलोमीटर से 300। देखिए पृथ्वी जो है वह एकदम आप देखते हैं कि कहीं पे ज्यादा ऊंची है, कहीं पे नीचे धंसी हुई है। आप देखते हैं कंटिनेंट भी है जो समुद्र तल से उठा हुआ है, और देखते हैं महासागर है, महासागर के पर देख रहे हैं कि जल का विस्तार है, और 300 या 4 किलोमीटर नीचे, 3 या 4 किलोमीटर नीचे आप देखेंगे कि ओशनिक बॉटम आता है, कहीं पे 5 किलोमीटर कहीं 6 किलोमीटर नीचे ओशनिक बॉटम आता है। तो वहाँ पे जो सियाल है उसका मोटाई कम हो जाता है, यानी कि समुद्रों में सियाल की मोटाई कम है या नगण्य है या नहीं भी है कहीं कहीं पे, और महाद्वीपों पर इसकी मोटाई सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने यही बात बताई थी। तो कितना कितना बताया मोटाई, सियाल का बताया 50 किलोमीटर समुद्री समुद्र के नीचे और 300 किलोमीटर कॉन्टिनेंट के नीचे, वहां तक सियाल की मोटाई है। उसके बाद उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम में फैला हुआ है, आप देख रहे हैं कि सीमा जो है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में है, 83% जो है वो अकेले सीमा का वॉल्यूम है, 83% सीमा का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कहेंगे उसको। और अगर इसका मास देखा जाए, द्रव्यमान कितना है, तो वह पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% इसके पास मास है पूरे पृथ्वी का, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है सीमा। और यहीं से निकलता है ज्वालामुखी, यहीं से फटता है, कहा जाता है कि यहीं से पिघली हुई चट्टानें निकलती, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं मैग्मा चेंबर बना होगा, ये सोएस महोदय ने कहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही सीमा को पार करते हैं कि बीच में एक दुर्बलता मंडल का क्षेत्र आएगा, स्थेनोस्फीयर, वहां पिघली हुई चट्टानें है। अभी मैंने बताया है कि ये जो कोर है यह चलते रहता है, रोटेट करता है अपने अंदर में, उसके बाद सीमा भी रोटेट करता है, दोनों के बीच में रोटेशनल डिफरेंशिएशन है और उससे फ्रिक्शन बल पैदा होता है, और चूंकि यहाँ भारी तत्व बहुत अधिक है इसके कारण इस फ्रिक्शन बल के से ग्रेविटी पैदा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक एनर्जी, उसको बोलेंगे जियोमैग्नेटिक एनर्जी निकलते रहता है। तो उसके बाद नीफे का देख लीजिए, नीफे का घनत्व तो हमने अभी बता दिया, और यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ करके लगभग कितना हो जाएगा, 4500 डिग्री तक पहुँच जाता है, 4500 डिग्री तक पहुँच जाता है, 4500 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी मोटाई कहाँ तक है, तो केंद्र तक इसकी मोटाई है, यहाँ से लेके यहाँ केंद्र में कितना है, 6371 किलोमीटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे 6371 किलोमीटर तक नीफे की मोटाई है, ये उन्होंने सुएस महोदय ने बताया था। तो सुएस महोदय को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और अब अगले क्लास में हम आपको एकदम नए जो अभिनव मत है, रिसेंट व्यू है, वह क्या कहता है, और उसमें जियोडेसी और जियोफिजिसिस्ट का बहुत ज़्यादा योगदान है, वो किस तरह से बांटे हुए हैं क्रस्ट मेंटल और कोर को कैसे बांटते हैं, और कहाँ कहाँ कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है, रेपिटी कहाँ मिलता है, गुटेनबर्ग कहाँ मिलता है, लेमान कहाँ मिलता है, मोहो असमर्थता कहाँ मिलता है, और गुटेनबर्ग कहाँ मिलता है, इस तरह से चीज़ों को हम लोग देखेंगे।
और इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे, जियो मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में ज्यादा बात करेंगे, उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी कहाँ निकलता है, ये सब हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।